नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं तेज प्रसाद टेक्निकल एजेंसरों में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग एक बजट सेगमेंट का या तो कहूं एक एंट्री लेवल का कोई एंड्रॉयड स्मार्टफोन खोज रहे हैं जियो फोन की अपेक्षा, जिसमें आप लोगों को एंड्रॉयड के साथ साथ डुअल 4G सिम का नेटवर्क देखने को मिल जाए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक इसी तरह के एंट्री लेवल स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को डुअल 4G सिम के साथ साथ एंड्रॉयड के जितने भी एप्लीकेशन हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ऐसे एप्लीकेशनों का भी आनंद ले पाएंगे। तो दोस्तों, यह रहा हुआ स्मार्टफोन, यह आइकल ब्रांड का स्मार्टफोन है और इसका नाम कंपनी ने आइकल 325 रखा है। यह एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है और जिस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी ने इसको किया है लॉन्च, उस हिसाब से यह काफी गजब का स्मार्टफोन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसके अलावा इसका गिवअवे भी रखने वाले हैं। अगर आप लोग इस स्मार्टफोन का गिवअवे में भाग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के बारे में जो हाइलाइटेड फीचर हैं वो इस स्मार्टफोन के बॉक्स के बैक साइड पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यह मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है, मतलब कि भारत में ही बिल्ड किया गया यह स्मार्टफोन है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस आइकल के 325 के अन्य फीचर्स के बारे में और क्या आप लोगों को खास इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है, इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कर लेते हैं इस आइकल के 325 की अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं कि इस स्मार्टफोन के अंदर हमको कैसे फीचर्स कंपनी उपलब्ध करवा रही है। तो सबसे पहले हम इस स्मार्टफोन को इसके बॉक्स से करेंगे बाहर। तब तक मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमको एक स्क्रीन गार्ड कंपनी उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा इसके बॉक्स पर यहाँ पर रखा आपको आपका स्मार्टफोन कंपनी दे रही है, जो पॉलीथीन के अंदर है और इसको इसके पॉलीथीन से हम करते हैं बाहर और यहां पर हम रख देते हैं स्मार्टफोन और देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमको और क्या क्या चीजें या कंपोनेंट्स कंपनी उपलब्ध करवा रही है। तो यहां पर आप लोगों को एक कंपनी का ही चार्जर कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जो 5 वाट का है, नॉर्मल चार्जिंग के काम आएगा और इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को नॉर्मल चार्जिंग ही देखने को मिलने वाली है। यहां पर आप लोगों को माइक्रो एसबी 2.0 कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और इससे आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर पाएंगे। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक यूजर मैनुअल गाइड कंपनी दे रही है, जो आज के टाइम पर शायद ही कोई इसको पढ़ता होगा। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक केस भी कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जो मोबाइल केस बैक कवर है और आप इसका उपयोग अपने इस स्मार्टफोन के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को और कोई भी चीज कंपनी नहीं उपलब्ध करवा रही है। अब हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन के सबसे पहले डिजाइन के बारे में। तो इसके बैक पैनल से हम करेंगे शुरुआत। तो यहाँ पर आप लोगों को 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कंपनी की ब्रांडिंग बॉटम तल पर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा इसके बैक साइड पर कुछ लाइट इफेक्ट भी आप लोगों को देखने को मिलता है और काफी अट्रैक्टिव लुक का स्मार्टफोन लगता है मुझे बैक साइड से। इसके अलावा इसके बैक साइड पर आप लोगों को सिंगल कैमरा और यहाँ पर जो कैमरे की डिजाइन आपको दिख रही है, इनके अंदर कोई कैमरा नहीं है। हालांकि LED फ्लैश की सुविधा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। राइट साइड पर आप लोगों को वॉल्यूम बटन, पावर बटन, बॉटम तल पर आप लोगों को स्टीरियो साउंड और चार्जिंग हब कंपनी दे रही है। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी सिम स्लॉट नहीं मिलता, क्योंकि इसका जो पिछला भाग है ये ओपन हो जाता है और यहाँ आप अपना सिम डाल सकते हैं या तो कहूँ इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 5.5 इंच की HD डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है, जो यह एक IPS डिस्प्ले है और काफ़ी नॉर्मल डिस्प्ले है, लेकिन प्राइस सेगमेंट के साथ ठीक ठाक है। और इस स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है उसके चारों तरफ आप लोगों को कुछ बेजल दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह 90:9 रेशियो की इसमें आप लोगों को डिस्प्ले कंपनी दे रही है, जो मेरे हिसाब से ठीक है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को यूनिसो का एक नॉर्मल सा 4G AI सपोर्ट करने वाला, जिसमें आप लोगों को डुअल 4G सिम का सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है, जिसकी स्पीड 1.3 GHz है और यह काफी नॉर्मल प्रोसेसर है, पर एक बजट सेगमेंट के साथ ठीक ठाक है और अच्छा काम कर जाएगा। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्टोरेज के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 2GB की रैम मिलती है, जो इस प्राइस सेगमेंट के साथ काफी अच्छी रैम है। इसके अलावा 16GB की स्टोरेज कंपनी उपलब्ध करवा रही है। अन्य स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ अभी हाल फिलहाल में यह स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 6.0 पर रन करता है, स्मार्टफोन के हिसाब से ठीक है, पर यह काफी ओल्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन इसके अंदर आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है एक बजट रेंज सेगमेंट के साथ। अगर बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप
सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर सिंगल कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। 8 मेगापिक्सल का इसमें आप लोगों को AI का सपोर्ट द कंपनी दे रही है। अगर बात करते इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी आप लोगों को सिंगल 5 मेगापिक्सल का कैमरा दे रही है। यहाँ पर आप लोगों को कॉलिंग के लिए स्पीकर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। LED फ्लैश की सुविधा दे रही है। इसके अलावा दोस्तों मैंने इस स्मार्टफोन के कैमरे से 2 से 3 पिक भी क्लिक किया जो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जो काफी औसत कैमरे क्वालिटी है इस स्मार्टफोन के, और काफी नॉर्मल पिक ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन इस स्मार्टफोन के कैमरे पर आप लोगों को AI का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन उतना अच्छी क्वालिटी की AI भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। मतलब सब कुल मिला के कॉलिंग वगैरह के लिए तो अच्छा है, पर एक अच्छा कैमरा सेटअप नहीं कहा जा सकता है इस स्मार्टफोन के अंदर। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 4000 mAh की बैटरी दे रही है, जो एक बार चार्ज होने के बाद लगभग 1 दिन का तो बैटरी बैकअप आप लोगों को उपलब्ध ही करवाने वाली है। लेकिन इसके अंदर आप लोगों को नॉर्मल चार्जिंग का सपोर्ट कंपनी दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को डुअल 4G सिम का सपोर्ट, Wi-Fi, GPS, FM रेडियो, 3.5 mm ऑडियो जैक जैसे ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं इस स्मार्टफोन का गिवे करने वाला हूँ। 25 जनवरी को इसका गिवे का रिजल्ट आने वाला है, तो अगर आप लोग गिवे में लेना चाहते हैं भाग, तो आप लोग जरूर इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट पिक करके ही मैं इसका विनर घोषित करने वाला हूं 25 जनवरी को। तो जरूर आप लोग इसके गिवे में भाग लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग कैसा लगा ये iQOO K325, कृपया नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मेरे हिसाब से जिस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी ने इसको भारतीय मार्केट में करवाया है उपलब्ध, उस हिसाब से यह एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के तौर पर काफी अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, पर एक ठीक ठाक स्मार्टफोन, और आप सेकेंडरी स्मार्टफोन के तौर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप लोग वीडियो कॉलिंग का भी आनंद ले सकते हैं। जितना मैंने इसको यूज किया है, मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों के मन में कुछ भी हो विचार इस iQOO K325 को लेकर, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और इसके अलावा गिवे में भाग जरूर लीजिएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।